और जैसे मतलब आईपीएल के अंदर ऐसा रहता है, जैसे हमारी मुंबई इंडियंस की टीम है उसके अंदर उनकी जर्सी स्पॉन्सर, और जैसे आईपीएल है टाटा आईपीएल करके, तो ये वाली सारी चीज़ें भी मतलब हमारे को ईसीएल के अंदर। बिल्कुल, हमारा विजन 11 ईसीएल है, जैसे हाँ टाटा आईपीएल है, हमारा विजन 11 ईसीएल है। तो विजन 11 हमारा टाइटल स्पॉन्सर है, और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, कुछ टीम्स के पास भी स्पॉन्सर्स हैं। तो हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स एसोसिएटेड है, यही रेवेन्यू मॉडल है हमारा। तो तो जो जो टोटल सिक्स सिक्स टीम्स टीम्स हैं हैं एंड एंड उनके उनके जो जो प्लेयर्स प्लेयर्स लोग लोग हैं, हैं, जैसे जैसे कैप्टन्स कैप्टन्स लोग लोग हैं, हैं, वो वो सारे सारे डेली डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर रहे रहे हैं हैं बड़े 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 ग्राउंड्स ग्राउंड्स में। में। तो तो वो वो जो जो एक्सपेंस एक्सपेंस है है वो वो सब सब आप आप लोग लोग कर कर रहे रहे हो हो या या फिर फिर वो वो लोग लोग खुद खुद अपने अपने। हैं? हाँ, ये भी देखो, अगर ईसीएल की बात करोगे तो वो खुद ही कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस मैचेस का एक्सपेंस है। बाकी हर लीग का अलग अलग होता है, कुछ चीज़ें हमारी तरफ से हैं, कुछ चीज़ें वो खुद करते हैं। तो हाँ, मॉडल्स हैं, हर किसी के अलग अलग मॉडल्स हैं। ये ऐसे ही मतलब वो बिजनेस मॉडल्स हैं सारे के सारे, क्या किसकी डील है, कैसी है, क्या है, एंड जो कोचेज और ये एनालिस्ट वगैरह होते हैं, ये सब कुछ भी मतलब आप लोग ही प्रोवाइड ये करवा रहे हैं सब सब। सब टीम। देखो, एक जो आईपीएल में कैसा रहता है, आईपीएल में टीम अपना खुद का खर्चा देखती है, अपने हाँ पूरा इकोसिस्टम बनाना, अपने प्लेयर्स की सैलरीज, अपने कोचेज, अपना रहना, इवन होम और अवे का कॉन्सेप्ट होता है। जब मुंबई में मैचेस होती हैं तो ग्राउंड का जो खर्चा होता है वो पूरा मुंबई की टीम उठाती है, और जो अच्छा टिकट सेल्स होती है उसका जो मेजर चंक रहता है वो मुंबई की टीम के पास जाता है। कुछ परसेंटेज बीसीसीआई से शेयर होता है और कुछ परसेंट टूरिंग टीम के साथ शेयर होता है। ये आईपीएल का मॉडल है, बट हमारा ऐसा मॉडल है नहीं। तो हर किसी के अपने अपने मॉडल्स हैं। थोड़ा मॉडल्स में डीप डिग करेंगे तो हमारा बेसिकली अभी हम एक ही वेन्यू पे हैं, सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हैं, तो 90 to 95% ऑफ द सर्विसेज लीग प्रोवाइड कर रही है सारी टीम्स को। कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे ट्रैवल ट्रैवल हो गया, और जो जो पोस्ट इवेंट प्रैक्टिसेज हैं, ये सारी चीज़ें टीम खुद से कर रही हैं। बाकी सोशल मीडिया टीम्स हैं, स्टे है, लीग स्टार्ट होने के बाद उनका सारा जो भी है वो सारा लीग उठा रही है खर्चा उस चीज़ का। वो लीग भी क्या उठा रही है, मतलब पूरा एक मतलब सब एक मॉडल है, सब मतलब लीग है तो पूरा इकोसिस्टम है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, हाँ जी सब एक दूसरे के साथ किसी ना किसी चीज़ से एक दूसरे से पैसा बना रहे हैं, एंड उसी वजह से लीग हो पा रही है। तो ये एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरा का पूरा। अब इसमें कौन कब क्या खर्चा करता है वो बहुत ही मतलब कंडीशनल है, हर लीग अपने अपने हिसाब से करती है। रनर वगैरह को रनर आपको उनके लिए कुछ वो जो प्राइस पूल्स वगैरह। तो बेसिकली हमारा 1.25 CR का प्राइस पूल है जो टोटल है, उसमें से जो फर्स्ट टीम आएगी उसको 50 लाख रुपीज़ है, सेकंड को 30 लाख रुपीज़ है, रोज के जो मैचेस होते हैं उसमें हर दिन 1-1 लाख रुपए प्राइस बांटा मैन ऑफ द जाएगा, मैच। 30-40 हज़ार मैन ऑफ द मैच, ऐसे छोटे छोटे प्राइस करके। तो अच्छा। ओवरऑल 1.25 करोड़ का अमाउंट है जो प्राइस पूल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला। तो कोई आइडियाज है सारे के सारे, एग्जीक्यूशन के ऊपर है, सोचना बहुत आसान है, एग्जीक्यूट करना करना बहुत टफ बहुत है। मुश्किल मुश्किल है। सही है, बात है। तो किसी और के मन में है तो करा लो भाई, मैं भी आ जाऊंगा, मेरी हेल्प करना। नहीं करा पाएंगे अगर वो इसका सुन लेंगे कितना एक्सपेंस इन्होंने इस सीजन पे लगा दिया है तो। नहीं हो तो देखो, हिम्मत वाली मूड वाली बात होती है, क्रिकेट से प्यार नहीं होता मुझे और अनिल भाई को, तो हम कभी नहीं घुसते। सही बात है। वो लव फॉर क्रिकेट है जो हम लोग इतना मेहनत करी है और इतना रिस्क भी लिया है लाइफ में, वो सिर्फ लव फॉर स्पोर्ट है। किसी और हो, किसी और चीज़ से प्यार होगा या किसी आइडिया से प्यार होगा तो करेगा अपना। सही। आईपीएल भी ऐसे ही शुरू हुआ था। तो जैसे आपने ये जो ईसीएल बनाया है, इसका जो फर्स्ट सीजन है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इसका एक आइडिया दे सकते हो कि कितना इसमें आपने एक्सपेंस आपका लगा होगा और कितना बड़ा मॉडल मतलब कितना एक्सपेंस आप सबने मिलके किया होगा और कहाँ एक्सपेंस तक ऐसे ये जा सकता ओवरऑल है। देखोगे तो यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है, मतलब बिल्कुल, मतलब कितने फिगर्स हो सकते हैं, 8 फिगर है, मतलब 8-8 ज़ीरो के आसपास के लग गए हैं, तो ज़्यादा ही लग गए उससे। तो पैसे समझो सेकेंडरी है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस जो हम देना चाहते हैं ऑडियंस को। सो हमारी जो टीम्स काम कर रही है, सब आईपीएल वाली टीम्स हैं जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हमारे, जो भी फैब्रिकेशन चीज़ें कर रहे हैं, तो सब आईपीएल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। जो हमारी इंटरनल टीम्स भी हैं उसमें भी बहुत सारे आईपीएल किए हुए लोग हैं। हम लोग एक अच्छा मतलब एक अच्छा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, वही एक आइडिया है।
उसके पीछे मॉनिटरी समथिंग जो अब बेस्ट करना है तो बेस्ट करना ही है, फिर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो दिख जाता है ऑडियंस को, सही फिर वो बात अच्छी नहीं लगती चीज़।